हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनहांस योर वोकैबुलरी। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। अलग क्यों? क्योंकि आज हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की। वाई? बिकॉज टूडे इज द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। आज शायद हमारे लिए इंटरनेट इतना जरूरी हो गया जितना हमारे लिए सांस लेना हो गया। स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम पे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सब हमारी लाइफलाइन सी बन गई है। पर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जब सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे पोस्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं, तो कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो शायद हमें नहीं पता, और उस सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी भाषा यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम लेफ्ट आउट से फील करते हैं। तो आइए आज लर्न करते हैं कुछ अमेजिंग या मोस्ट कॉमनली 10 इंटरनेट लिंगोस एंड उन्हें यूज करना स्टार्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, एंड लेट्स बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो द फर्स्ट वर्ड इज, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है, वो है LOL। LOL का मतलब क्या होता है? लाफिंग आउट लाउड। यानी कि जब आप किसी का कोई जोक सुने और आपको बहुत हंसी आए उस पर, तो आप उसका रिप्लाई एज LOL कर सकते हैं। या कोई आपके जोक को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें वो पसंद आता है, तो आपको अगर उन्होंने LOL रिप्लाई किया, सो यू मस्ट टेक इट पॉजिटिवली, राइट? तो वहां पे LOL का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज FYI। ये काफी ऑफिशियली भी लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तब जब आपको कभी कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, तो वहां पर आप FYI लिखकर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज BTW। BTW भी काफी कॉमन है, एंड व्हाट इज दैट? उसकी फुल फॉर्म होती है बाय द वे। ये वर्ड अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखें, तो जैसे हम कहते हैं वैसे, या उर्दू में कहते हैं बहरहाल, तो वहां पे एज अ कनेक्टिंग वर्ड इसे यूज करते हैं। जैसे बाय चांस किसी ने कहा, आपसे पूछा कि तुमने होमवर्क किया, तो आपने कहा हाँ मैंने किया, वैसे तुमने किया, तो वहां पर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बाय द वे डिड यू डू इट। तो बाय द वे बोलने के बजाय आप बोल सकते हैं BTW एंड उस बात को कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है IDK। IDK क्या होता है? IDK होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट नो को ही शॉर्ट में बना के हमने कह दिया IDK। तो जहां पे भी आपको आई डोंट नो कहना है, वहां पे आप IDK कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, जो हम यूज करते हैं, वो है ROFL। ROFL क्या होता है? ROFL का मतलब होता है रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। मतलब अगर आपको कभी बहुत ज्यादा किसी चीज पर हंसी आए और आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, तो वहां पे शायद LOL थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो वहां आप बोल सकते हैं ROFL, मतलब इतना मुझे हंसी आए कि मैं सच में लोटपोट हो गया। नेक्स्ट वाला क्या? नेक्स्ट इज TTYL। TTYL का मतलब जब हम कोई कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं, तो क्लोज करने के लिए वहां हम इसे बोल सकते हैं टॉक टू यू लेटर। आप टॉक टू यू लेटर, ऑफकोर्स सी बात है, आप किसी चीज में बिजी हो गए, कॉन्वर्सेशन के बीच में है आप, तो आप बाय बाय करने के लिए कि अभी मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी, TTYL आप वहां बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज TBH। TBH का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। जब आप किसी को कोई ईमानदारी से या ऑनेस्ट चीज बता रहे हैं, तो वहां पर आप बोल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक हिम दैट मच, कि मैं सच कहूँ तो मैं उसे इतना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, तो वहां आप यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इज BTS। ये क्या होता है? ये हमारे जो ये यूट्यूबर्स होते हैं या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये बहुत ही यूज करते हैं #BTS। ये क्या है? जब वो यूजुअली कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो कई बार उससे पहले वो ऐसी वीडियो शेयर करते हैं कि वीडियो में पहले क्या हुआ, जैसे जब वो शूट कर रहे थे उस वक्त की जो मस्ती, जो गलतियां, वो सारी चीजें, जिसे हम कहते हैं बिहाइंड द सीन्स। तो बिहाइंड द सीन्स को ही शॉर्ट में हमने कह दिया BTS। तो अब आप कहीं देखे लिखा हो #BTS, तो आप समझ सकते हैं दैट इज बिहाइंड द सीन्स। Now, the next word. Next word is, ये भी कई बार commonly, professionally लोग use कर लेते हैं, वो है ASAP, यानी कि as soon as possible, जितना जल्दी हो सके। तो by chance आपको कहना है कि मैं ये जितना जल्दी हो सके कर दूंगा, तो आप कह सकते हैं I'll do it ASAP। या किसी के बॉस या सीनियर ने कहा कि मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए, तो the person will say I want this report ASAP। एंड नाउ कमिंग टू द फाइनल वर्ड, जो कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंटरनेट की डिसएडवांटेज या नेगेटिव इम्पैक्ट में काउंट होता है, जिसे हम कहते हैं FOMO, FOMO। ये क्या होता है? ये होता है फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट।
कई बार होता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स की फोटोग्राफ्स देखते हैं वेकेशंस की और वीडियोस देखते हैं, उनकी पार्टी अटेंड करते हुए, फन करते हुए, और हमें ऐसी फीलिंग आती है कि मैं तो ये सब कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये जो फीलिंग होती है ना, इसको हम कहते हैं फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यू नो आई हैव फोमो। सो ये थे 10 कुछ कूल एंड मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट लिंगोस। और मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कौन कौन से लिंगोस थे जो कि आप ऑलरेडी यूज करते थे और कौन कौन से आपके लिए न्यू थे जो आज से आप यूज करेंगे। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।